स्थान में इसलिए संभावना है चाहे हमारा मिनरल का क्षेत्र हो स्टोन का क्षेत्र हो हमारा ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो पेट्रोमैक्स के क्षेत्र में हो या हम सोलर और विंड के क्षेत्र में हो, कि सूर्य की हमारे पास कृपा है हमारे पास जमीन भी है हमारे पास पर्यटन में अपार संभावना है तो शिक्षा और चिकित्सा में अपार संभावना है और हमारा युवा टैलेंट है हम चाहते हैं हमारा युवा आगे बढ़े आगे बढ़ते हुए प्रदेश में भी काम करे देश में काम करे और तो दुनिया में काम करे हम हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हम हमारे युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं और राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना चाहते हैं जो अभी दस से बारह कंट्रीज़ जो आपने सेलेक्ट की जिनमें आपने विज़िट भी किया है और जर्मनी और यूके फाइनेंशियल हब्स हैं फाइनेंशियल कैपिटल्स हैं तो उनके बारे में क्या कहना है यहाँ से आपको क्या उम्मीद है देखिए जर्मनी और यूके दोनों ही मजबूत देश हैं और मैंने देखा जर्मनी में जिस तरह से वहाँ के उद्योगपतियों का सहयोग मिल रहा है लगातार उद्योगपति मिलने आए हैं एमओयू भी हुए हैं और इसी तरह यूके में लोग मिल रहे हैं उद्योगपतियों को भी लगता है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां शांति है काम करने में उनको आनंद आता है क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूं जापानी जोन जो हमारा बना हुआ है जापान के लोगों के द्वारा मेरे को ये जापान में ये कहना कि हमको तीन और चार गुना लाभ हमको मिला है ये बहुत बड़ी बात होती है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जा हमारे जापान हो कोरिया हो जर्मनी हो यूके हो सभी हमारे जो ऐसे कंट्री हैं जिनके पास टैलेंट है और वो आना चाहते हैं राजस्थान में संभावनाएं हैं तो मैं समझता हूं कि अगर वो आएंगे बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, तो राजस्थान का विकास होगा राजस्थान का विकास होगा तो हमारी युवा का विकास होगा हमारे किसान का विकास होगा हमारे जो एक बहुत बड़ी संख्या हमारी ऐसी है जो युवा के टैलेंट की जो मांग है वो मांग भी हमारी बढ़ेगी और हमने कहा कि हम युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगे हम सरकारी चार लाख नौकरी लगाएंगे तो हमने कहा कि साढ़े छः लाख नौकरी भी हम दूसरे क्षेत्र में देने वाले हैं